हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अ टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आज बेटा क्लास में डाउट क्लास में भी आप लोगों को बता चुके हैं ठीक है चलिए फर्स्ट टेक अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर बिकॉज एंगल बिटवीन एक्सिस इज वॉट नाइन्टी डिग्री देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है अब अगर यहाँ पे कोई कॉर्डिनेट लेते हैं बेटा एक्स वाई है ना तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y अंडरस्टूड ये फर्स्ट डायग्राम हुआ अब चलिए अब x एक्सिस एक्स पे जो बेटा हम लेते हैं देखो वन टू थ्री पॉइंट ये माइनस वन माइनस टू अब देखो बेटा ये वन का मतलब क्या हुआ इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है वन जीरो टू का मतलब टू जीरो थ्री का मतलब थ्री जीरो जैसे यहाँ पे माइनस वन का मतलब माइनस वन जीरो माइनस टू का मतलब माइनस टू जीरो इसका कोऑर्डिनेट हुआ मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो ऑल रिमेंबर दिस ऑन axis एक्सिस of ऑफ axis एक्सिस coordinate इज what ऑलवेज zero. ओके नाउ सिमिलरली अब देखो थर्ड डायग्राम देखो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइनिंग देखो ये होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये वन का मतलब किसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ जीरो वन ये टू का मतलब जीरो टू थ्री का मतलब जीरो थ्री माइनस वन का मतलब जीरो माइनस वन माइनस टू का मतलब जीरो माइनस टू यानी पॉइंट्स या ऑन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज वॉट या एक्स कोऑर्डिनेट इज वॉट जीरो यस और नो सिमिलरली जैसे इसमें था उसे इसमें हुआ सो ऑन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इस और क्या बोलते हैं बेटा एपसीस इज वॉट जीरो अब नेक्स्ट आगे डायग्राम में चलते हैं बेटा जैसे अगर हम ये लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वन टू थ्री इसका मतलब क्या होता है ये वन का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वन यूनिट ये टू का मतलब ऑरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस टू यूनिट जैसे मान लो इसको एजूम कर लो ए बी इसको एज्यूम कर लो ए डैश बी डैश देखो ओ ए इजकल टू क्या वन यूनिट ओ बी इजकल टू क्या टू यूनिट ओ ए डैस भी कितना हुआ वन यूनिट ओ बी डैश इज कल टू भी टू यूनिट ये निगेटिव साइन समझ जाना बेटा ये डायरेक्शन बताता है कि ये डायरेक्शन निगेटिव है लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या देखेंगे इसका हम पॉजिटिव इसी तरह बेटा अगर ये सी है डी है तो ओ सी क्या होगा वन यूनिट ओ डी टू यूनिट सिमिलरली तो ये क्या बताता है बेटा ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं उसको हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे ऑरिजिन से सो डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड थ्रू ऑरिजिन हुज कॉर्डिनेट्स वॉट जीरो 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 तो ओरिजिन काट क्या होता है जीरो जीरो अब चलते हैं बेटा अब थियोरेटिकल पार्ट में चलते हैं हाउ टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हुज कॉर्डिनेट्स आर गिवेन वॉट एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू बाई टू चलिए तो बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ दो पॉइंट ले लो बेटा एक ए यहाँ पे बी इसका कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट लेक्स वन वाई वन इसका कोऑर्डिनेट ले लेते ले हैं हम एक्स टू वाई टू ये सर नो अब तो ये बता पड़ता चल गया आप यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर किस पे एक्स एक्सिस पे यहाँ से ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे यस अब ये कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या, क्या हुआ एक्स वन ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ वाई वन अभी जस्ट बताए थे फर्स्ट डायग्राम में ये कोऑर्डिनेट अगर एक्स टू वाई टू है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ एक्स टू ये वाला क्या हो गया वाई टू नो अब देखो तो बेटा हम अगर फाइंड करना चाहते हैं ए एल ये ए एल तो जो ए एल का डिस्टेंस है वो डी सी दोनों सेम है ए एल इज इक्वल टू डी सी और डी सी को क्या लिख सकते हैं बेटा हम ओ सी माइनस ओ डी मैंने दिस माइनस दिस ये ये डिस्टेंस क्या हो गया डी सी एक्स टू माइनस एक्स वन तो ए एल भी क्या हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहते हैं बी एल तो बी एल कैसे फाइंड होगा बेटा बी सी माइनस एल सी ये पूरा क्या है वाई टू और देखो ये वाई वन है तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो गया वाई वन तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन सो बी एल क्या हो गया मेरा वाई टू माइनस वाई वन अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एल ए बी एल वी ऑल नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो यहाँ पे हाइपोटेस क्या है देखो तो बेटा राइट एंगल के अपोजिट हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस तो ए बी स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर तो अब देखो यहाँ पे बी एल कितना है बल निकाल चुके थे बेटा हम वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस ए एल भी निकाल चुके हैं एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो ये किसका है ए बी स्क्वायर है तो ए बीज इक्वल टू क्या होगा इधर अंडर रूट तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव या सुनो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है ये आप यहाँ पर पॉसिबल है कि ये चीज़ करने पर आपका निगेटिव आ जाए तो उसको हमको पॉजिटिव लिख देना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव सो वी ऑल नो दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव सो टेक मॉडुलस साइन मॉडुलस मीन्स वॉट ऑलवेज पॉजिटिव तो मॉडुलस का सिम्बल होता है बेटा ये सिम्बल ये है ना तो ये मॉड ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा निगेटिव भी आएगा तो उसको क्या ले लेना है मॉड तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में वन कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला ए बी इजकल टू पहले हम देखो टू लिखे हैं वन लिखे हैं देख लो ना ये हमेशा लिखने का टेक्निक है बेटा अगर पहले टू तो फिर वन टू तो वन देख लो एक्स टू माइनस एक्स वन तो यहाँ वाई टू माइनस वाई वन यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू नहीं कर दीजिएगा पहले अगर टू है तो बाद में वन फिर टू तब वन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले वन लिख सकते हो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर देखो पहले वन है तो यहाँ भी पहले वन है यहाँ टू है तो यहाँ भी टू है तो ये दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो यही मेरा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला ओके अब समझ गए होंगे बेटा यस चलिए नेक्स्ट देखो अब बोल रहे हैं हाउ टू फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन तो बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए पॉइंट ले लीजिए कोई भी या पी एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हम एक्स वाई अब बोल रहे है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा तो ये ऑरिजिन ये है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो जीरो लाइन जोड़ ऐड कर लो बेटा ये तो हमको क्या फाइंड करना है ओ पी ओ पी इजकल टू फाइंड करना है ये फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन तो बेटा कुछ नहीं है इसका कॉर्डिनेट एक्स वाई इसका कॉर्डिनेट जीरो जीरो दिया हुआ है तो हम कॉर्डिनेट आइजूम करेंगे सबसे पहले इसका कॉर्डनेट क्या हो जाएगा एजूम करो लो एक्स वन वाई वन इसका बेटा एक्स टू वाई टू यानी एक्स टू की जगह क्या है एक्स वाई टू की जगह वाई एक्स वन के जगह जीरो वाई वन के जगह जीरो ना वो अपलाइड डिस्टेंस फॉर्मूला ओ पी इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट देख लो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो देखो यहाँ पे एक्स टू क्या है एक्स देख लीजिए वाई एक्स वन क्या है जीरो तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है बेटा वाई तो वाई माइनस वाई वन क्या है जीरो तो वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हुआ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन यस अब इसी डिस्टेंस फॉर्मला में ये हो सकता है बेटा देखो क्या टेक्निक टू फाइंड द डिस्टेंस व्हेन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने जो है ए बी है लाइन ज्वाइनिंग वो पैरल टू तो क्या है एक्स एक्सिस से आज बताएं बेटा जो डाउट क्लास में आए होंगे अभी यहाँ पे हम ए बी कैसे ले रहे थे देखो तो बेटा ये ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी तो देखो ये पैरल नहीं था एक्स एक्सिस के है ना अब बोल रहे हैं कि ये ए बी पैरल हुई एक्स एक्सिस के तब कितना डिस्टेंस होगा बेटा कैसे निकालेंगे देखो ले लिए हम बेटा ये ए बी ए का कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी का कोर्डनेट एक्स टू वाई देखो ये एक्स एक्सिस के पैरल है लाइन हाँ पैरल है देखो ये पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ एक्स वन ये क्या हुआ वाई वन अभी एक्स टू वाई टू है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ एक्स टू तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ वाई टू और नो तो ये डायग्राम देखने से क्या पता चलता है देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है सेम लेंथ का है तो सो फ्रोम इन दिस फिगर वन कैन राइट वाई वन टू वाई टू इस फिगर में क्या हो गया वाई वन इजकल टू वाई टू अप्लाइड डिस्टेंस फॉर्मुलर ए बी मॉड ए बी टू क्या होता X2 X1 minus, no, है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस नो वाई टू माइनस वाई वन का ई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अब देखो ए बी क्या होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अब वाई वन वाई टू इस डायग्राम से क्या है इक्वल तो दोनों इक्वल तो तो so, हो जाएंगे तो बेटा आउट तो जीरो का हॉल स्क् ए बी इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का हॉल स्क्स इध आंसर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ अब हम बोल रहे हैं ये होमवर्क है कि अगर यही लाइन ए बी जो है वो क्या हो पैरल टू वाई एक्सिस मतलब ऐसा हो ये ए बी ऐसे हो ये वाई एक्सिस है ना बेटा देखो x डैश ये y ये y डैश अब ये लाइन ए बी पैरल टू क्या है एक्सिस है इसका पोर्नेट एक्स वन वाई वन इसका फोर्नेट एक्स टू वाई टू तब बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो ए बी क्या आएगा तो इसमें ए बी हंड्रेड परसेंट इसमें क्या हो जाएगा इन दिस डायग्राम में एक्स वन इजकअल टू एक्स टू हो जाएगा ये दोनों इक्वल हैं आपस में यस और नो तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा बेटा तब आंसर क्या आएगा ए बी इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ए बी क्या आना चाहिए वो अंडर रूट वाई टू माइनस वाईन का है स्क्वायर आराम से फाइंड कर सकते हो बेटा यही डिस्टेंस फॉर्मूला में बेटा इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट है आई थिंक शू हेर अंडरस्टूड यस ओनो बस इसके बाद आप क्वेश्चन अगर थ्योरी समझ गए होगा बेटा तो क्वेश्चन सारे बना लोगे यस ओनो थैंक यू वेरी मच